भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। ये बेजा बातें, ये हताशा है प्रधानमंत्री की, निराशा है। उनको समझ में आ चुका कि देश की जनता ने उनको नकार दिया, तो मूल मुद्दों से बात हटाकर इन मुद्दों पर लाना है। जो पिछड़े मुसलमान हैं, उनको कभी भी आगे आने का मौका नहीं मिला, उनको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा गया, बंधुआ मजदूर की तरह रखा है विपक्षी पार्टियों ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ही कहा है कि कानून देश में सबके लिए बराबर हो, ये भारत का संविधान भी कहता है, तो ये कहा है कि पूजा पद्धति में इंटरफेयर थोड़ी कहा है। कॉमन सिविल कोड पर लग रहे कयास और किंतु परंतु के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जब संविधान भी सबको समान अधिकार का समर्थन करता है तो फिर एक घर में दो कानूनों का क्या काम। वहीं यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि यूसीसी पर मुस्लिमों को भड़का रहा है विपक्ष। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। ये सच कि यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा घमासान मुसलमानों को लेकर मचा है, वहीं मुस्लिमों के जरिए सियासी माहौल बनाने में जुट विपक्ष को आईना दिखाते हुए पीएम ने पसमांदा मुसलमानों के पिछड़ेपन की तस्वीर भी देश के सामने रख दी कि जो हमारे पसमांदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमांदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है, वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमांदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसको ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। शादी, तलाक, संपत्ति बंटवार और बच्चों को गोद लेने जैसे करीब 8 मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अभी अलग अलग कानून। इधर एक देश एक कानून की कवायद में जुटी मोदी सरकार इस दशकों पुरानी मांग पर दांव चलने वाली, या यूं कही कि पीएम अपनी तीसरी कसम पूरी करने वाले। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। पीएम के यूसीसी प्लान ने सियासी गलियारों से लेकर मजहबी इदारों तक नया घमासान मचा दिया। विपक्ष कह रहा कि ये चुनावी दांव। मोदी जी मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं भाई? मुद्दा है मणिपुर, मुद्दा है आग लगी हुई है टमाटर के दामों में, जाकर भोपाल में वही अपना पुराना राग अलाप रहे हैं। मुझे लगता है लोग अब इससे बोर भी हो चुके हैं। बीजेपी के चाल में मुस्लिम समाज न फंसे और यूसीसी को ये ड्राफ्ट लेकर के आए, फिर देखा जाएगा, कमेंट किया जाएगा। बहरहाल 2024 की चुनावी बिसात पीएम मोदी ने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। वहीं मोदी वर्सेस ऑल की बिसात बिछा रहे विपक्षी खेमे के सामने अब इस मुद्दे की काट खोजना भी एक बड़ी चुनौती। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2024 यूसीसी से बदल जाएगा
देश का राजनीति शास्त्र।